लोग सेट थ्योरी का कंसेप्ट लेकर सेट थ्योरी पढ़े, रिलेशन फंक्शन पढ़े, अब उसी से संबंधित मिलवाता है। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में एक चैप्टर आता है ग्रुप, तो ग्रुप का जो डेफिनेशन, ग्रुप एक समूह है, सेट का ही समूह है, जैसे सेट पढ़ते हैं उसी तरह से ग्रुप एक सेट है। उस सेट में कहता है डेफिनेशन ग्रुप का कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, जी का मतलब उसमें कोई एलिमेंट होगा, सेट में एलिमेंट है, टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ द फॉलोइंग लॉ होल्ड्स फॉर द ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है कि दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट के बीच में ऑपरेट किया जाता है तो उसका कुछ आउटपुट आता है। जैसे कोई कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह का कुछ दिया है बाइनरी ऑपरेशन। तो दो का ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट उसी सेट में होना चाहिए। तो इसमें ग्रुप अगर कोई चीज, कोई सेट अगर लेते हैं, सेट लिए थी जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो वह ग्रुप को निर्माण करेगा तब जब वह चार प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एसोसिएटिव, तीसरा होता है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा होता है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी को जब फुलफिल करेगा तो वह ग्रुप को फॉर्म करेगा, अगर चारों प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है तो ग्रुप को फॉर्म करेगा। सबसे पहला आता है क्लोजर, क्लोजर इसको ढंग से समझिएगा। क्लोजर लॉ कहता क्या है? क्लोजर लॉ के मतलब होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट और ऑल ए बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट, कोई दो एलिमेंट सेट जी में लिए कहाँ पर होना चाहिए, सेट जी का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसका ए ऑपरेटेड बी, इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे ए ऑपरेटेड बी, वो भी एलिमेंट सेट जी का होना चाहिए, तब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट किसी सेट का लिए हुए हैं और उसका जो ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी जी में रहेगा, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मान लो कि ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जी जो है कैसा सेट है, जी सेट को अगर मान लो सपोज करो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर या रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो कि मान लो कि ए ऑपरेटेड बी का मतलब हम दे दिए, ए ऑपरेटेड बी का मतलब हम दे दिए ए प्लस बी माइनस ए, दो संख्याओं ए ऑपरेटेड बी का मतलब दे रहे हैं दोनों का सम माइनस प्रोडक्ट, तो ए और बी एलिमेंट जी का है, तो इसको रियल नंबर मान लो कि थ्री और फोर, ये एलिमेंट जी का है। जी मतलब यह क्या है, किस तरह का सेट ले लिए, रियल नंबर, तो थ्री ऑपरेटेड फोर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो थ्री ऑपरेटेड फोर का मतलब थ्री प्लस फोर माइनस थ्री इंटू फोर, ये होगा सेवन माइनस ट्वेल्व, कितना हो जाएगा माइनस फाइव, ये भी एलिमेंट जी का होगा कि नहीं, क्योंकि जी सेट कैसा लिए हुए, रियल नंबर का सेट लिए हुए, जब रियल नंबर का सेट लेंगे तो उसी में बिलोंग्स कर जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर उस सेट का लिए हुए और दोनों के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर ये जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वह रिजल्ट भी उसी सेट में अगर बिलोंग्स कर जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, अगर उस सेट में बिलोंग्स नहीं करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? नेचुरल नंबर का भी केस देख सकते हैं, रियल नंबर का भी केस देख सकते हैं। दूसरा इसका आता है, सेकेंड जो आता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव लॉ में होता है कि फॉर ऑल ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ जी, जी मतलब जो सेट किए हुए हैं उसे एक नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, रियल क्वेश्चन पर अलग दिया होगा, तो इसका कंडीशन क्या है कि ए ऑपरेटेड
बी ऑपरेटेड सी इक्वल टू आना चाहिए ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड बाइनरी ऑपरेशन इसको कहते हैं सी। ये दोनों आपस में अगर इक्वल होगा तो कहेंगे कि एसोसिएटिव ला यहाँ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव ला होल्ड। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तब हम कहेंगे होल्ड करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो कहेंगे होल्ड नहीं करेगा। जैसा कि हम कंडीशन एक दिए थे, एक कंडीशन यहाँ पर कि ए ऑपरेटेड बी का मतलब अगर ए प्लस बी माइनस ए बी है तो इसमें हम देखेंगे कि यह उसको होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। जैसे ए का दो संख्याओं का, मान लो कि ए ऑपरेटेड दो संख्याओं के बीच का ऑपरेशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ए प्लस बी माइनस ए बी दिए हैं और जी जो सेट है अगर पूरे रियल नंबर का, तो एले केस में जो तुम्हारा है एले केस में ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी है, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेटेड। तो सबसे पहले हम किसका वर्मा थ्योरम से करेंगे, तो ब्रैकेट में है उसका पहले करेंगे। तो दो एलिमेंट के बीच के ऑपरेशन का मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट का सम माइनस उसका प्रोडक्ट, तो बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो बी सी और बी सी ये सब के सब रियल नंबर है, मान लो कि ये थ्री है ये फोर है, तो कोई ना कोई एक रियल नंबर हमको मिलेगा यहाँ। तो इसको हम मान लिए सपोज कर लिए कि के से कर दिए, तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ए ऑपरेटेड के, ए भी दो रियल नंबर का है ऑपरेशन, तो दो रियल नंबर के ऑपरेशन में क्या करता है कि दोनों रियल नंबर का सम माइनस ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस के माइनस हो जाएगा ए इंटू के। तो ए के का वैल्यू कितना है, तो बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू, फिर के का वैल्यू क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। देखिए वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी। एक इक्वेशन आ गया, ए हमको एल एच एस का वैल्यू मिल गया ना एल एच एस का वैल्यू। अब इसका हम आर एच एस में देखें, तो आर एच एस में भी अगर इतना ही वैल्यू हमको आ रहा है तो कहेंगे क्या एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, अगर आर एच एस का वैल्यू सेम नहीं आता है तो कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। तो आर एच एस तो हरा है क्या, तो आर एच एस में तीन रियल नंबर है, ए ऑपरेटेड बी पहले है फिर ऑपरेटेड है सी। तो ए पहले हम फॉर्मस थ्योरम से किसका ब्रैकेट में जो दिया हुआ है नंबर उसका ऑपरेट करेंगे, तो ए ऑपरेटेड बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी। जैसा कि अभी हम लोग रूल पर इसका देखे हैं इसका मतलब ये है ऑपरेटेड क्या हो जाएगा सी। तो इतना को अगर मान लो कि हम पी मान से कर दी, ये भी तो कोई नंबर देगा, ये रियल नंबर है ये रियल नंबर, तो रियल नंबर का सम माइनस प्रोडक्ट क्या देगा, रियल नंबर देगा, तीन चार पाँच कुछ भी देगा तो रियल नंबर देगा। तो अब इसको P, तो P ऑपरेटेड क्या हो जाएगा C, तो इसमें P भी एक रियल नंबर है और C भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का सम माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस सी माइनस हो जाएगा P इंटू सी। तो P का वैल्यू आपको कितना है, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी हो गया, माइनस सी बी का वैल्यू है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो गया माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस कितना हो जाएगा ए बी सी। इसको इक्वेशन टू कर, अब देखिए कि टू का फर्स्ट का जो आर एच एस वैल्यू है और फर्स्ट सेकेंड का जो आर एच एस वैल्यू है दोनों आपस में क्या हो गया यहाँ इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एल एच एस इक्वल टू भी क्या हो गया आर एच एस हो गया, यानी कि ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी जो है वह इक्वल टू हो गया ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी। तो यहाँ पर एसोसिएटिव ला क्या करके होल्ड कर, हालांकि ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होल्ड करना चाहिए क्लोजर, दूसरा क्या हो गया एसोसिएट, तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी इसमें है थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी आप संख्या अगर लेते हैं तो उस संख्या में दो ही चीज होता है, अंडर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और अंडर रूल ऑफ एडिशन, और उसका क्या होता है रिवर्स होता है, माइनस जो रिवर्स होता है और डिवीजन जो होता है उसका रिवर्स होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी को ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, वह एलिमेंट ही मिलता है। जैसे मान लो कि फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट जी और E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि G का ही है, E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें कहता है कि A ऑपरेटेड E इक्वल टू E ऑपरेटेड A इक्वल टू A आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी को उसमें ऑपरेट करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो मान इन जनरल जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर रूल ऑफ एडिशन एंड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किसी भी संख्या में अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा, और किसी भी संख्या में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इन जनरल क्या होता है कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर रूल ऑफ एडिशन एंड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आइडेंटिटी चेंज करता है उसका वैल्यू चेंज करता है। तो अगर कंडीशन अलग दिया हुआ है, जैसे ए ऑपरेटेड बी का मतलब हम लोग ए प्लस बी माइनस ए बी ले रहे थे, या ए ऑपरेटेड बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ले रहे हैं, तो वहां पर आइडेंटिटी का केस चेंज करेगा, आइडेंटिटी चेंज करेगा। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी लेंगे वह भी सेट उसी सेट का होना चाहिए, और ए ऑपरेटेड ई इक्वल टू ई ऑपरेटेड ए इक्वल टू ए आ जाना चाहिए। अगर ए आएगा तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, अगर ए नहीं आएगा तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद फोर्थ होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो मान लो कि फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट जी जी एंड B is also element of set B, where B is inverse element, inverse of A. तो यहां पर कंडीशन होना चाहिए कि A operated B जो होगा, B operated A, यहां पर ये आइडेंटिटी देना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट जो हमारा आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा नहीं आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कोई भी ग्रुप समूह एक बनाएगा, समूह है, कब फॉलो करेगा कोई बाइनरी ऑपरेशन पर, जब क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव लॉ को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो करेगा तो वह ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर ये चार प्रॉपर्टी में एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो वह ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब इस पर एक अबेलियन ग्रुप की बात आता है, तो अबेलियन में हम कम्यूटेटिव लॉ को ऐड कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऐड कर देंगे तो यह अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, तो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज ही ना, इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे। ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर, ध्यान कहीं और आप लगाए हुए। ये चार कंडीशन है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वह ग्रुप को फॉलो करेगा, अगर चारों प्रॉपर्टी में एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो ग्रुप फॉलो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज ही नहीं।